हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ही क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बैरोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि एक्चुअली हमें करना क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है आपको, केवल फोर्स का बैलेंसिंग करना होता है और कुछ उसमें खास कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम बैरोमीटर से रिलेटेड। चलिए सॉल्व किया जाए क्वेश्चन। गिवन आपको अ वर्टिकल हॉलो सिलेंडर ऑफ हाइट 1.48 मीटर इज फिटेड विद मूवेबल पिस्टन ऑफ नेग्लिजिबल मास एंड थिकनेस। द लोअर हाफ कंटेन एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन टेम्परेचर एंड अपर हाफ इज कंप्लीटली फिल्ड अप विद मर्क्यूरी। व्हेन द टेम्परेचर इज राइज्ड, हाफ ऑफ मर्क्यूरी कम्स आउट ऑफ द सिलेंडर ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। फाइंड द टेम्परेचर टू विच द गैस वॉज हीटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़िए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो लैंग्वेज आपको गिवन है अ वर्टिकल होलो सिलेंडर ऑफ हाइट 1.48। तो एक सिलेंडर की बात करें, इसकी हाइट कितनी है 1.48 या 148 सेंटीमीटर। ठीक है, फिल्ड विद मूवेबल पिस्टन, इसमें एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है ऑफ नेग्लिजिबल मास एंड थिकनेस। द लोअर हाफ, यानी इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यहां पर इसका आधे पार्ट की हम बात करते हैं। लोअर हाफ कंटेन एन आइडियल गैस, तो यहां पे एक आइडियल गैस है एट 300 केल्विन, इसका टेम्परेचर आपको गिवन है 300 केल्विन एंड अपर हाफ इज फिल्ड विद मर्क्यूरी। तो यहां पे जो अपर हाफ है वो किसके थ्रू फिल्ड है, मर्क्यूरी के थ्रू फिल्ड है, यहां पर Hg भरा हुआ है। ठीक है, व्हेन टेम्परेचर, अब हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर 300 केल्विन से बढ़ाया तो क्या हुआ, गैस का एक्सपांशन होगा। गैस का एक्सपांशन होगा तो ये अपर पार्ट में जो मर्क्यूरी है वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। कम्स आउट ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ, तो क्या बोला है, व्हेन टेम्परेचर राइज हाफ ऑफ मर्क्यूरी कम्स आउट, तो जितना यहाँ पे मर्क्यूरी उसका आधा बाहर निकल जाएगा। इसका मीन्स यहाँ पे इसका एक्सपांशन कितना होती है, आधा बाहर निकल जाए, जितना प्रेजेंट है उसका हाफ बाहर निकल जाए। अगर यहाँ पे ये हाफ पार्ट में प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी गैस का वॉल्यूम कितना होगा, वी बाई टू, और यहाँ पे जो मर्क्यूरी है वो कितने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में प्रेजेंट होगा, V by 2 वॉल्यूम में ही प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे अगर इसको और एक्सपांशन किया जाए कि इसका हाफ पार्ट बाहर निकल गया, तो मींस कितना वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी बाहर निकल गया होगा, V by 4, तो यहाँ पे गैस का वॉल्यूम कितना हो गया होगा, तो यहाँ पे अब केवल इतने पार्ट में यहाँ पे मर्क्यूरी प्रेजेंट है तो इसका वॉल्यूम कितना है, V by 4, और ये कितना है 3V by 4। ठीक है, कैलकुलेट टेम्परेचर टू विच द गैस वॉज हीटेड। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगना है कि यहाँ पर आपको टेम्परेचर वेरी किया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एटमोस्फेरिक प्रेशर भी आपको गिवन है। एटमोस्फेरिक प्रेशर इस मर्क्यूरी पे लग रहा होगा कितना, 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, तो इस पे प्रेशर भी लग रहा है। यहाँ पे गैस का वॉल्यूम इनिशियली वी बाय टू था, अब 3V by 4 हो गया, तो वॉल्यूम भी चेंज हुआ, टेम्परेचर भी चेंज हुआ। तो हम आइडियल गैस के लिए क्या बोलेंगे यहाँ पे, कि आइडियल गैस का वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, आइडियल गैस पे लगने वाला प्रेशर चेंज हो रहा है। लगने वाला प्रेशर चेंज क्यों हो रहा है, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इस गैस पे लग रहा होगा, प्लस इतने वॉल्यूम में जितना मर्क्यूरी प्रेजेंट है वो भी क्या कर रहा होगा, इस पे प्रेशर लगा रहा होगा, राइट। अब यहाँ पे जो मर्क्यूरी है वो भी हाफ हो गया, जितना वहां पे था उसके रेस्पेक्ट में हाफ हो गया, तो जो प्रेशर लग रहा होगा मर्क्यूरी की वजह से वो भी क्या हो गया, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम गैस का चेंज हो रहा है, प्रेशर गैस का चेंज हो रहा है, टेम्परेचर गैस का चेंज हो रहा है, तो हम फोर आइडियल गैस क्या बोलेंगे, P1V1 upon T1 will be equal to P2V2 upon T2। क्या नंबर ऑफ मोल्स गैस के चेंज हुए, नहीं हुए, क्योंकि यहां से गैस का लीकेज आपको कुछ बोला नहीं है। ठीक है, तो अभी आपको वॉल्यूम पता है गैस का, यहाँ पे कितना था V by 2, यहाँ पे V1 का वैल्यू पता है, V2 का वैल्यू कितना होगा 3V by 4, T1 कितना 300 केल्विन, T2 कितना वही आपको पता करना है। तो उसके लिए पहले हम क्या करें, प्रेशर ऑफ गैस पता करें। ठीक है, आपको यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब यहाँ पे हम क्या करें, इस मर्क्यूरी कॉलम की हाइट पता करें। क्या बोला था यहाँ पे, कि हाफ पार्ट इतना है गैस का और हाफ पार्ट किसका है, यहाँ पे मर्क्यूरी का, तो यहाँ पे हाफ पार्ट कितना होगा, ये 48 है, तो 48 का हाफ कितना होगा 74 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इस गैस पे प्रेशर लगा रहा है, इस मर्क्यूरी की वजह से भी यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर लगेगा। तो गैस की इसका प्रेशर लगा रही होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम क्या बोलेंगे, पी गैस किसके इक्वल होगा, PATM प्लस पी ऑफ मर्क्यूरी, राइट। तो यहाँ पे आप मर्क्यूरी की वजह से प्रेशर कितना लेते हैं, रोजी एच के बराबर, तो
तो यहाँ पे अगर ये मर्क्यूरी की टर्म में प्रेशर गिवन है तो यहाँ पे आप क्या लेंगे हाइट ऑफ मर्क्यूरी, तो यहाँ पे कितना प्रेशर है एटमोस्फियर 76 प्लस 74, तो इनिशियल प्रेशर आपको कितना मिलेगा 76 प्लस 74 कितना 80 प्लस 70 कितना 150 हो रहा है 150 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, तो इनिशियली इतना प्रेशर था। ठीक है, अब फाइनली कितना बचा, यहाँ पे क्या बोला है कि जितना मर्क्यूरी प्रेजेंट था उसका हाफ बाहर निकल गया, तो 74 सेंटीमीटर की हाइट का इनिशियली मर्क्यूरी का कॉलम था। अब अगर आधा मर्क्यूरी का कॉलम बाहर निकल गया तो मींस अब हाइट भी कितनी रह जाएगी, हाफ रह जाएगी, तो 74 की हाफ कितना होगा 37 सेंटीमीटर। तो इतना मर्क्यूरी का अब यहाँ पे लेवल प्रेजेंट है, इतनी हाइट प्रेजेंट है, तो P2 कितना होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर तो यहाँ पे भी लग रहा होगा कितना 76 प्लस हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम कितना है 37, तो ये 113 इतना ही आ रहा है। ठीक है, 113 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, अब इतना यहां पर फाइनल प्रेशर है। तो आपको इनिशियल प्रेशर पता है गैस के ऊपर कितना है, फाइनल प्रेशर गैस के ऊपर पता है कितना है, गैस का इनिशियल वॉल्यूम कितना था V/2, गैस का फाइनल वॉल्यूम कितना है 3V/4, इनिशियल टेम्परेचर पता है और फाइनल टेम्परेचर आपको पता करना है, तो वैल्यू पुट कीजिए P1 कितना 150, V1 कितना V/2, T1 कितना 300, राइट, P2 कितना है 113, V2 कितना 3V/4 और T2 आपको यहां से पता करना है, तो कैलकुलेट कीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 से 2 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T2 कितना बचेगा 113 into 3 mean 339 केल्विन, तो इतने केल्विन तक यहां पर इसको हीट किया होगा तो आधा मर्क्यूरी बाहर निकल जाएगा। क्लियर, तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, समझ में आया होगा होपफुली आपको। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन है आपको अ मैनोमीटर इज अटैच्ड टू अ फ्लास्क कंटेन्स अमोनिया गैस हैव नो डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल इनिशियली After sparking into the flask, ammonia partially dissociate into N2 and H2 respectively. Now, it have difference of 6 cm in mercury level in 2 column. What is the partial pressure of H2? Given आपको atmospheric pressure 76 cm of Hg. तो actually manometer क्या होता है? Manometer कुछ नहीं है, एक glass tube होती है, U-shaped tube होती है, जिसमें mercury filled होता है. वहाँ पे mercury के level के basis में हम pressure के difference को यहाँ पे study करते हैं. तो यहाँ पर अभी बोला था इनिशियली कि क्या है, यहाँ पे दोनों कॉलम में मर्क्यूरी का जो लेवल है वो बराबर है, तो लेवल बराबर होने का क्या मीनिंग है, इस ट्यूब में जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर इसके दूसरी साइड है। ठीक है, तो आपको एटमोस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी है, अगर इधर 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी होगा और इधर 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी होगा, तो जब दोनों तरफ प्रेशर बराबर होगा तो ही पॉसिबल है कि ये दोनों कॉलम में लेवल क्या हो, सिमिलर हो। ठीक है, अब जब अमोनिया का डिसोसिएशन होगा, जब अमोनिया N2 और NH2 में डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, अगर 2 मोल अमोनिया है तो कितने मोल यहाँ पे गैस बनेगा, टोटल 4 मोल, यानी डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। आपको बोला है पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, पूरा डिसोसिएट नहीं हो रहा, तो इनिशियली अगर 10 मोल थे, सपोज इनिशियली 10 मोल थे, 10 मोल में से 2 मोल डिसोसिएट हुए, तो बचे हुए कितने हैं 10 - 2, हम पार्शियल डिसोसिएशन के अकॉर्डिंग बात करें तो इनिशियली सपोज 10 मोल थे, 2 मोल यहां पे डिसोसिएट हुए, तो 2 मोल से कितना बनता है 1 मोल N2 एंड 3 मोल H2, तो यहां पे रिमेनिंग मोल्स कितना है 8 मोल, यहां पे 1 मोल N2 का बना 3 मोल H2 का बना, तो अब टोटल मोल कितने हुए यहां पे 12, तो यहां पे जब डिसोसिएट होगा अमोनिया तो वहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो प्रेशर क्या होगा वहां पर, इंक्रीज होगा, तो यहां पे डिसोसिएशन से प्रेशर बढ़ रहा है, इस वजह से यहाँ पर ये लेवल मर्क्यूरी का नीचे जा रहा है और इधर वाला लेवल मर्क्यूरी का ऊपर आ रहा है। ठीक है, आपको बोला कि जो दोनों लेवल है उन दोनों के बीच में डिफरेंस 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब देखेगा यहाँ पे कि डिफरेंस के बेसिस पे हम क्या समझ सकते हैं, यहाँ पे दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 6 सेंटीमीटर, तो अगर आपके पास एक यू शेप ट्यूब है उसमें मर्क्यूरी फिल्ड है, ठीक है, तो अगर दोनों तरफ दोनों कॉलम में लेवल बराबर है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे अगर प्रेशर P1 है, सपोज आप 76 लेके चले, यहाँ पे प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी है और इधर भी प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी है, तो ही दोनों लेवल आपस में इक्वल हो सकते हैं। अगर इधर का प्रेशर 1 सेंटीमीटर से बढ़ा दें, सपोज इधर कर दें प्रेशर 77 और इधर रह जाए 76, तो जितने सेंटीमीटर से यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा
उतने ही सेंटीमीटर का डिफरेंस इन दोनों के मर्क्यूरी लेवल में आ जाएगा, राइट। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर। अगर ये प्रेशर 2 सेंटीमीटर से बढ़ेगा तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 सेंटीमीटर का होगा। किससे बढ़ेगा, इधर वाले प्रेशर से। ये 76 है, ये 77 है, तो इधर प्रेशर जा रहा है तो इधर का मर्क्यूरी लेवल नीचे होगा, इधर का मर्क्यूरी लेवल ऊपर होगा। दोनों लेवल में जो भी डिफरेंस होगा वो क्या बता रहा होगा, इधर वाला प्रेशर इस प्रेशर से कितना ज्यादा है। अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 सेंटीमीटर का हुआ, तो इसका मींस क्या है, इधर वाला लेवल नीचे है, मींस इधर प्रेशर ज्यादा है। कितना प्रेशर ज्यादा है 2 सेंटीमीटर से, तो ये कितना होगा, 78। अगर इधर प्रेशर 3 सेंटीमीटर से, सॉरी दोनों के लेवल में डिफरेंस अगर 3 सेंटीमीटर का है तो मींस इधर प्रेशर कितना है, 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है, मींस ये कितना होगा, 79। अगर इधर दोनों के लेवल में डिफरेंस 4 सेंटीमीटर का है तो मींस इधर का जो प्रेशर है वो क्या होगा, इधर वाले प्रेशर से 4 सेंटीमीटर ज्यादा होगा। अगर इधर दोनों के बीच में डिफरेंस 5 सेंटीमीटर का है तो मींस इधर वाला प्रेशर इससे 5 सेंटीमीटर ज्यादा होगा, यानी 81 होगा। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस 6 सेंटीमीटर है, यानी इधर प्रेशर कितना होगा, 82 होगा। क्लियर। तो अभी आपको ये बोला है कि यहाँ पे पार्शियल डिसोसिएशन के बाद क्या हो रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस 6 सेंटीमीटर का हो रहा है, मींस इधर जो प्रेशर है वो इधर वाले प्रेशर से कितना ज्यादा है, 6 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो इनिशियली कितना था बोथ साइड, 76 था, तो अगर 6 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो गया तो प्रेशर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 82 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। तो आफ्टर डिसोसिएशन यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया, 82 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। ठीक है, अब यहाँ पे इनिशियली प्रेशर अमोनिया का कितना था, यस यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन करेंगे मोल्स के अकॉर्डिंग करेंगे, यहाँ पे जो वॉल्यूम है कंटेनर का वो उतना ही कंसिडर करना है जितना इनिशियल था। ठीक है, यहाँ पे मर्क्यूरी लेवल चेंज होने से जो भी वॉल्यूम में वेरिएशन आ रहा है उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, बिकॉज उसका कैलकुलेशन कुछ हमें गिवन नहीं है। यहाँ पे इस ट्यूब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, नेग्लिजिबल वॉल्यूम हम यहाँ पे इस ट्यूब का कंसिडर करेंगे। तो क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पे जो वॉल्यूम है कंटेनर का वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग करते हैं, मोल्स के अकॉर्डिंग। तो अभी क्या होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, टेम्परेचर में कोई वेरिएशन गिवन नहीं है, आर कॉन्स्टेंट होता है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, तो प्रेशर का वेरिएशन किसके अकॉर्डिंग होगा, मोल्स के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, प्रेशर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो इनिशियली अमोनिया का प्रेशर कितना था, 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, 76 में से कुछ कम हुआ एक्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल बोला है, पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो एक्स कम होगा। अब अगर 2 मोल है तो कितना प्रोड्यूस होता है, 1 मोल N2 एंड 3 मोल H2। अगर यहाँ पे X ATM कम होगा, सपोज यहाँ पे ये मान लीजिए अगर अमोनिया 2 ATM का प्रेशर था इनिशियली, तो 2 ATM से कितना बनता है, अगर पूरा जाता तो 1 ATM और 3 ATM। यहाँ पे X ATM है या X सेंटीमीटर ऑफ HG है, तो N2 का प्रेशर कितना प्रोड्यूस होगा, जितना N2 NH3 का है उसका हाफ, यानी X/2, और ये कितना होगा, 3X/2। ये अमोनिया का प्रेशर है, ये N2 का प्रेशर है, ये H2 का प्रेशर है। आपको पूछा गया है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, तो H2 का प्रेशर पूछा गया है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है वो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से टोटल प्रेशर क्या होगा, तीनों का सम, मीन 76 माइनस x प्लस x/2 प्लस 3x/2, मीन्स कितना हो जाएगा, 76। ये कितना हुआ, 276 प्लस x कितना है टोटल प्रेशर, 82। तो x का वैल्यू कितना मिला, 6 सेंटीमीटर ऑफ HG, राइट। वो तो आपको बोला भी था कि दोनों के प्रेशर में डिफरेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर ऑफ HG, राइट। अब अगर आप X का वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, ये P प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, और सबस्क्रिप्ट में जो रिप्रेजेंट लिखा होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसका प्रेशर है। तो H2 का प्रेशर कितना होगा, 3X/2 मीन 3×6/2 मीन 9 सेंटीमीटर ऑफ HG। तो ये सारा कैलकुलेशन होगा फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 के लिए। अगर आपको अमोनिया का पूछा हो तो अमोनिया का बता सकते हैं, 6 माइनस कर दीजिए, और अगर आपको N2 का पूछा हो तो आप N2 का भी बता सकते हैं। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यस, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है, अभी पहले हम वर्ड्स की बात करें, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, कि अगर किसी कंटेनर में डिफरेंट गैस प्रेजेंट है जो कि क्या हो, नॉन रिएक्टिंग हो, आपस में रिएक्ट नहीं कर रही हो, कि अगर किसी कंटेनर में डिफरेंट गैस प्रेजेंट है, आपस में रिएक्ट नहीं कर रही हो, और जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो पूरा का पूरा गैस के थ्रू ऑक्यूपाई हो रहा हो, यानी जितना वॉल्यूम है वो गैस के थ्रू सभी गैस उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही हो, तो उस कंटेनर के अंदर पर्टिकुलर गैस का जितना प्रेशर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। इसको एग्जाम्पल के बेसिस पे देखते हैं,
कि सपोज आपके पास कोई कंटेनर है, इसका वॉल्यूम V है, ठीक है, इसके अंदर हीलियम गैस भी प्रेजेंट है, नियोन गैस भी प्रेजेंट है, आर्गन गैस भी प्रेजेंट है, और इनके मोल्स N1, N2, N, N3 है, ठीक है। तो यहां पर इस कंटेनर में V वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने के बाद हीलियम जितना प्रेशर लगा रही होगी, केवल हीलियम, हीलियम जितना प्रेशर लगा रही होगी उसे हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम गैस। नियोन जितना प्रेशर लगा रही होगी कंटेनर के अंदर, नियोन की वजह से जो प्रेशर होगा उसे हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ नियोन गैस। एंड आर्गन जितना प्रेशर लगा रही होगी उसे हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन गैस, ठीक है। अब यहां पे कंटेनर के अंदर टोटल कितना मोल्स है, N1 प्लस N2 प्लस N3, तो कंटेनर के अंदर जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, हीलियम की वजह से कितना प्रेशर है प्लस नियोन की वजह से कितना प्रेशर है प्लस आर्गन की वजह से कितना प्रेशर है। तो अभी हम टोटल प्रेशर की बात करें, पी टोटल कितना होगा, यहां पर टोटल प्रेशर ऑफ ऑल गैस, प्रेशर ऑफ हीलियम, यहां पे सब स्क्रिप्ट में करके जो लिखते हैं वो किसके लिए होता है, रेस्पेक्टिव गैस के लिए। तो पी एच ई क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम प्लस पी ऑफ NH3, सॉरी एन ई नियोन, ये क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नियोन प्लस पी ऑफ आर्गोन, ये क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गोन, ठीक है। अब हमने क्या बोला है, हीलियम के पार्शियल प्रेशर की बात कब करेंगे, जब इसके मोल्स पूरे कंट्री में प्रेजेंट हो, इसके मोल्स पूरे कंट्री में फैले हुए हो, और इसके मोल्स पूरे कंट्री में फैले हो, मींस ये हीलियम भी पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, नियोन भी पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, एंड आर्गोन भी पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम की बात करें तो ये कितना होगा, मोल्स ऑफ हीलियम इंटू आरटी अपॉन वी। पार्शियल प्रेशर ऑफ नियोन क्या होगा, मोल्स ऑफ नियोन इंटू आरटी अपॉन वी। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गोन कितना होगा, मोल्स ऑफ आर्गोन इंटू आरटी अपॉन वी, राइट। अब अगर हम तीनों का सम कर दें तो ये तीनों का सम क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, टोटल प्रेशर। तो यहां से पी टोटल की बात करें, पी टोटल कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम मींस मोल्स ऑफ हीलियम इंटू आरटी अपॉन वी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ नियोन मींस मोल्स ऑफ नियोन इंटू आरटी अपॉन वी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गोन मींस मोल्स ऑफ आर्गोन इंटू आरटी अपॉन वी। आरटी अपॉन वी कॉमन ले लें सभी में से, तो ये क्या हो जाएगा, पी टोटल इक्वल टू मोल्स ऑफ हीलियम प्लस मोल्स ऑफ नियोन प्लस मोल्स ऑफ आर्गोन इंटू आरटी अपॉन वी। तो ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, और यहां पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ नियोन, पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन। तो आप इनको पॉइंट आउट कर देना कि क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ नियोन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन, ठीक है। अब अगर हम यहां पर रेशियो ले लें, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम अपॉन टोटल प्रेशर, इन दोनों का अगर हम रेशियो लें तो ये रेशियो क्या मिलेगा, क्या है हीलियम का पार्शियल प्रेशर, मोल्स ऑफ हीलियम इंटू आरटी अपॉन वी अपॉन टोटल प्रेशर कितना है, मोल्स ऑफ हीलियम प्लस मोल्स ऑफ नियोन प्लस मोल्स ऑफ आर्गन इंटू आरटी अपॉन वी। तो आरटी अपॉन वी, आरटी अपॉन वी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, मोल्स ऑफ हीलियम अपॉन मोल्स ऑफ हीलियम प्लस मोल्स ऑफ नियोन प्लस मोल्स ऑफ आर्गन। तो ये क्या है, मोल्स अपॉन टोटल मोल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम अपॉन पी टोटल किसके बराबर हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम। या अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है तो एक तरीका तो ये है कि आप पार्शियल प्रेशर यहाँ पे तीनों गैस का इस तरीके से निकाल सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर गैस के मोल्स पता है और टोटल वॉल्यूम पता है, ठीक है। या फिर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इनटू पी टोटल, जितना भी टोटल, अगर आपको यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, मोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, और टेम्परेचर के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, सॉरी आपको यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, टेम्परेचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये तो आप लगा ही नहीं सकते। बट अगर आपको गिवन है कि यहाँ पे पर्टिकुलर गैस के मोल्स कितने हैं और टोटल प्रेशर कितना है, तो पर्टिकुलर गैस के मोल्स पता है तो पार्शियल प्रेशर, सॉरी मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं, और अगर टोटल प्रेशर पता है तो मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम। तो पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस
विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू पी टोटल, राइट। तो कंटेनर में जितना टोटल प्रेशर है इनटू कंटेनर के अंदर उस गैस के जितने मोल्स प्रेजेंट है, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं, राइट। तो सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम मिला, पार्शियल प्रेशर ऑफ नियोन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नियोन इनटू पी टोटल, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ आर्गन इनटू पी टोटल, राइट। तो इस तरीके से आप पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। चलिए इसके बेसिस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। गिवन आपको डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर ऑफ N2 एंड O2 एट STP इज 1.38 ग्राम पर लीटर, कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस इफ टोटल प्रेशर इज 1 atm। यस, देखिए आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, तो NRT अपॉन V से, या फिर डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से, जिसमें आप क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन को पी टोटल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको अभी टोटल प्रेशर गिवन है कितना है, 1 atm, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे NRT अपॉन V से पार्शियल प्रेशर निकालना चाहें, तो आपको मोल्स का कैलकुलेशन, मोल्स पता होना चाहिए, टेम्परेचर पता होना चाहिए और वॉल्यूम पता होना चाहिए, बिकॉज STP कंडीशन है, तो टेम्परेचर तो आपके पास रहेगा 273 केल्विन, बट वॉल्यूम का इन्फॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है, तो आप पी इक्वल टू NRT अपॉन V यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। फिर क्या करें, फिर आपको डॉल्टन लॉ यहाँ पे लगाना पड़ेगा पार्शियल प्रेशर वाला, जिसमें मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल, पी टोटल आपको पता है, बट यहाँ पे अभी आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, राइट, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है डेंसिटी। अब यहाँ पे डेंसिटी कौन सा है, नॉर्मल डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी है, कैसे पता करें, वेपर डेंसिटी जो होती है वो यूनिट लेस होती है, यहाँ पे डेंसिटी का यूनिट गिवन है ग्राम पर लीटर, मीन्स ये क्या है, नॉर्मल डेंसिटी। तो अगर आपको याद हो तो आपको मोल कॉन्सेप्ट ने डेंसिटी ऑफ गैस कैलकुलेशन बताया था, डेंसिटी ऑफ गैस कैसे निकालते हैं, अच्छा फॉर्मुला भी बता देते हैं कैसे हमने डेराइव किया था, PV इक्वल टू NRT, मोल्स को हम क्या पुट कर सकते हैं, मास बाय मोलर मास इनटू RT, वॉल्यूम को इधर लेके आ जाएंगे, तो P क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम इनटू मोलर मास इनटू RT, मास बाय वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या मिल जाएगा आपको, PM अपॉन RT, क्लियर। तो ये कैलकुलेशन हमने मोल कॉन्सेप्ट में किया था, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, आपको यहाँ पे मिक्सचर की बात की है, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा, टोटल प्रेशर इनटू मोलर मास ऑफ मिक्सचर अपॉन RT। तो आपको डेंसिटी ऑफ मिक्सचर गिवन है, टोटल प्रेशर पता है, R का वैल्यू पता है, T का वैल्यू पता है, तो क्या यहां से मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकाला जा सकता है क्या, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो यहां से हम क्या बोल देंगे, मोलर मास ऑफ मिक्सचर इक्वल टू D ऑफ मिक्सचर इनटू RT अपॉन P। तो वैल्यू पुट करें, डेंसिटी कितना है, 1.3 इनटू R का वैल्यू 0.0821 इनटू टेम्परेचर कितना है, 273 अपॉन प्रेशर कितना है, 1, राइट। तो यहां पे इसका कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, RT अपॉन P, R का वैल्यू इतना, प्रेशर टेम्परेचर 273, प्रेशर कितना है, 1। तो यहां पे जो इसका मल्टीप्लीकेशन होता है वो आपको होता है कितना होता है, 22.4 के बराबर होगा, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 29.12 ग्राम मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे जो मिक्सचर का मोलर मास है वो मोलर मास कितना है, 29.12 ग्राम है, ठीक है। तो इतना आपको पता लगा। अब अगर आपको मिक्सचर का मोलर मास पता चल गया है, तो मिक्सचर के मोलर मास से अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकाले, अच्छा आपको मिक्सचर के मोलर मास के लिए भी फॉर्मूला बताया था, मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होता है, या एवरेज मोलर मास, m1 n1 plus m2 n2 upon n1 plus n2। अगर n1 plus n2 को यहाँ पे सेपरेटली डिवाइड कर दें तो क्या होगा, n1 upon n1 plus n2, n1 upon n1 plus n2, moles upon total mole क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ से मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होगा, मोलर मास ऑफ O2 into मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 plus मोलर मास ऑफ n2 plus into मोल फ्रैक्शन ऑफ n2, राइट। अब एक पॉइंट और आपको बताया था कि जो मिक्सचर का मोल फ्रैक्शन होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहां से हम क्या ले सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 किसके बराबर होगा, ऑलवेज 1 के बराबर। तो आपको किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिसका पार्शियल प्रेशर निकालना है, पार्शियल प्रेशर किसका निकालना है, O2 का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या होगा, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या होगा,
वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू, तो यहाँ पे आप मोल फ्रैक्शन किसकी टर्म में पुट करेंगे, केवल ऑक्सीजन की टर्म में, तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर कितना मिलेगा आपको यहाँ पर, मोलर मास ऑफ ओ टू इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू प्लस मोलर मास ऑफ एन टू इंटू वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू। तो पुट कर दीजिए, मोलर मास ऑफ मिक्सचर कितना मिला 29.12 इक्वल टू मोलर मास ऑफ ओ टू कितना होगा 32 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू प्लस एन टू का कितना होगा 28 इंटू वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू। तो यहां से मल्टीप्लाई कीजिए, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा किसका, ऑक्सीजन का। यहां से मोल फ्रैक्शन मिल गया तो टोटल प्रेशर तो आपको पता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहां से मिल जाएगा, तो कितना होगा 29.12 इक्वल टू 32 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू प्लस 28 माइनस 28 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू, 28 को इधर भेज दें तो कितना बचेगा 1.12 इक्वल टू 32 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू माइनस, तो कितना बचा 4 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू विल बी इक्वल टू 0.28 राइट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू आपको मिल गया। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ओ टू कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू इंटू पी टोटल राइट, तो कितना बचा यहाँ पे 0.28 इंटू 1 मींस कितना होगा 0.28 atm, सो दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ओ टू इन मिक्सचर। क्लियर, समझ पा रहे हैं, तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन था, बट अगर कॉन्सेप्ट आपको पता होता तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन वर्ड है क्या, डिफ्यूजन का मीनिंग क्या है, हो सकता है आपने 9 या 10 में या कहीं पर डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा हो। तो डिफ्यूजन क्या है, यहाँ पे सिंपली अगर हम बात करें तो पार्टिकल का फ्लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे गैस के रेस्पेक्ट में आते हैं कि गैस का डिफ्यूजन होता क्या है, कि अगर गैस अपनी हायर कंसेंट्रेशन से अपनी लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रही है, या ऐसा बोल दें गैस अपने पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव कर रही है, जहां पे गैस ज्यादा है वहां से कम की तरफ मूव कर रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन हमारी लाइफ में बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, हमारे डेली लाइफ में भी हम डिफ्यूजन को फील कर सकते हैं या समझ सकते हैं, कि सपोज घर में कोई डिश पक रहा है तो किचन से आपको उसका स्मेल आ जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पे जो स्मेल है वहां पे हायर कंसेंट्रेशन से वो हमारी तरफ आ रही है जहां पे लोअर कंसेंट्रेशन है, या डीओ लगा रहे हैं, डीओ में क्या है, डीओ की बोतल में हाई कंसेंट्रेशन पे गैस भरा हुआ है, जब आप स्प्रे करते हैं तो वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रही है, अपने हायर पार्शियल प्रेशर से अपने लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, हम यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं दे रहे कि गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, ना, गैस अपने हाई प्रेशर से अपने लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ठीक है, सपोज किसी कंट्री में ऑक्सीजन भरा हुआ है, ऑक्सीजन तो बाहर भी है और ऑक्सीजन तो अंदर भी है, राइट, तो कंटेनर के अंदर किसी सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन है हाई प्रेशर पे भरा है, तो हाई प्रेशर से क्या करेगा, लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा, बट किसके प्रेशर, अपने खुद के प्रेशर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो यहाँ पे गैस का फ्लो होता है वो अपने हायर प्रेशर से अपने लोअर प्रेशर की तरफ मूव करता है। ठीक है, इसको आप एक सिंपल एग्जांपल के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले विशाखापट्टनम में आपने सुना होगा एक प्लांट से गैस का लीकेज हुआ था, तो वहां पर क्या हुआ था, जिस कंटेनर में गैस फिल थी वहां पर गैस हाई प्रेशर पे थी, तो वहां पे हाई प्रेशर से वो कहां पे गई, एटमोसफेयर में फैल गई। ठीक है, तो एटमोसफेयर में उस गैस का परसेंटेज बहुत कम था या उस गैस का कंसेंट्रेशन नहीं था। ठीक है, तो एटमोसफेयर में उसका प्रेशर कुछ नहीं था, पार्शियल प्रेशर जीरो था, ऐसा मान लीजिए कि एटमोसफेयर में वो गैस थी ही नहीं। ठीक है, तो उसमें उसका पार्शियल प्रेशर क्या था, जीरो। कंटेनर के अंदर उसका पार्शियल प्रेशर क्या था, बहुत हाई, तो क्या हो गया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। कब तक मूव करेगी, जब तक कि दोनों तरफ उसका पार्शियल प्रेशर बराबर नहीं हो जाता, राइट। तो जब तक गैस का पार्शियल प्रेशर बोथ साइड इक्वल नहीं हो जाता तब तक गैस का फ्लो होता रहता है, राइट। तो कंटेनर से गैस कब तक लीक होती रहेगी, जब तक कि अंदर का प्रेशर गैस की वजह से और बाहर की तरफ जो गैस की वजह से प्रेशर है वो दोनों तरफ बराबर नहीं हो जाता, तो गैस का फ्लो तब तक होता रहता है। तो डिफ्यूजन क्या होगा, नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम इट्स हायर पार्शियल प्रेशर टू इट्स लोअर पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो गैस का फ्लो कब तक होगा, अंटिल, जब तक यहां पर गैस का पार्शियल प्रेशर दो साइड इक्वल नहीं हो जाता तब तक यहां पर गैस का फ्लो होता रहता है। ठीक है, तो चलिए डिफ्यूजन के बेसिस पे कुछ सिंपल क्वेश्चंस करते हैं। यस, देखिए गिवन है आपको क्वेश्चन, टू बल्ब ऑफ वॉल्यूम 5 लीटर एंड 10 लीटर कंटेनिंग आइडियल गैस एट 9 एटीएम एंड 6 एटीएम प्रेशर रेस्पेक्टिवली कनेक्टेड बाय अ ट्यूब ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम विद अ स्टॉपर।
स्टॉपर क्या होगा, जो यहाँ पे इन दोनों के अंदर जो गैस प्रेजेंट है उसको मिक्स होने से रोक रहा हो। इफ स्टॉपर इज रिमूव्ड, इस स्टॉपर को हटा दिया है, देन व्हाट इज फाइनल प्रेशर इन द बल्ब इफ टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप ये स्टॉपर हटा रहे हैं तो यहाँ पे सपोज इसमें कुछ गैस था 5 लीटर में 9 एटीएम प्रेशर पर, यहाँ पे कुछ गैस था 6 एटीएम प्रेशर पर 10 लीटर में, तो यहाँ पे गैस का फ्लो क्या होगा, दोनों सिमिलर गैस है तो गैस का फ्लो इधर से उधर तक होगा, ठीक है। बट कब तक होगा, जब तक फाइनल प्रेशर यहाँ पर सेम नहीं हो जाता बोथ कंटेनर में। दोनों कंटेनर में क्या होगा, दोनों बल्ब में फाइनल प्रेशर क्या होगा, सिमिलर होगा, तो गैस का फ्लो होना बंद हो जाएगा यानी डिफ्यूजन रुक जाएगा, ठीक है। अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि यहां पर गैस के कुछ मोल्स थे, यहां पर कुछ मोल्स थे, आपको यहां पे रिएक्शन के बारे में कुछ भी बोला नहीं है, गैस कुछ भी स्पेसिफाई नहीं, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, गैस क्या है, नॉन रिएक्टिंग। तो यहां पर कुछ मोल्स थे गैस के, यहां पर कुछ मोल्स थे, तो अगर यहां पे N1 मोल्स था, यहां पर N2 मोल्स था, ये स्टॉपर हटाने के बाद मोल्स कितना होगा, N1 प्लस N2, तो हम क्या, बिकॉज वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे 5 लीटर का वॉल्यूम है, यहाँ पे 10 लीटर का वॉल्यूम है, जब आप इस स्टॉपर को हटा दोगे तो गैस के लिए वॉल्यूम कितना हो गया, आप टोटल 15 लीटर, राइट। बस बट यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रही है, तो नंबर ऑफ मोल्स गैस के क्या रखने हैं, कॉन्स्टेंट। तो हम कॉन्सेप्ट क्या लाएंगे, इनिशियल टोटल मोल्स इक्वल टू फाइनल टोटल मोल्स, राइट। तो यहाँ पे इनिशियली कितने मोल्स होंगे, यहाँ पर N1 की बात करें, N1 कितना होगा, PV अपॉन RT, तो प्रेशर कितना है 9, V कितना है 5 अपॉन RT, टेम्परेचर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है बट कॉन्स्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, PV अपॉन RT, N2 का वैल्यू कितना है, PV अपॉन RT, तो प्रेशर कितना है 6, V कितना है 10 अपॉन RT, राइट। तो N1 N2 का वैल्यू पता है इनिशियली इतने इतने मोल्स से, दोनों का एडिशन कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना होगा, N1 प्लस N2 किसके बराबर, N फाइनल के बराबर, ठीक है। तो N1 कितना, 45 अपॉन RT प्लस 60 अपॉन RT, राइट, यही होगा, ये किसके बराबर होगा, फाइनल मोल्स कितना होगा, PV अपॉन RT, तो प्रेशर फाइनल कितना है वो आपको देखना है, फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, 5 लीटर ये प्लस 10 लीटर ये, बिकॉज ये स्टॉपर हटा दिया तो टोटल पूरा वॉल्यूम ही गैस के लिए अवेलेबल है, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, 15 अपॉन RT, तो RT से RT कैंसिल आउट हो जाएगा, 60 प्लस 45 कितना हुआ, 105 इक्वल टू 15 P, तो 105 अपॉन 15, तो कितना हो जाएगा ये, 7 ATM, मीन्स यहाँ पे फाइनल प्रेशर कितना रहने वाला है, 7 ATM रहने वाला है, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन आपको अ गैस इज प्रेजेंट इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V एट अ टेम्परेचर T1 एंड अ प्रेशर P, इट इज कनेक्टेड टू अनदर स्फीयर ऑफ वॉल्यूम V/2 बाय अ ट्यूब ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम एंड अ स्टॉपर, द सेकंड स्फीयर इज इनिशियली इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएटेड मींस वहां पे उसका प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा, मींस वैक्यूम होगा, इवैक्यूएटेड एंड द स्टॉप कॉक इज क्लोज्ड, इफ The stop cock is open, the temperature of the gas in second sphere become T2. The first sphere is maintained at temperature T1. Then what is the final pressure P in the apparatus? तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, समझते हैं क्या है कि एक स्फीयर है, उसका वॉल्यूम कितना है V, दूसरे स्फीयर के साथ कनेक्ट किया हुआ नेग्लिजिबल ट्यूब वाला, वो नेग्लिजिबल वॉल्यूम वाला ट्यूब है, इस दूसरे कंट्री का वॉल्यूम कितना है V/2, यहाँ पे इसका प्रेशर P है, इधर प्रेशर क्या है जीरो, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, अब यहाँ पे प्रेशर जीरो है, तो इसका मींस कोई गैस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर कुछ प्रेशर है, तो यहाँ पे कुछ गैस प्रेजेंट होगी, उसके भी कुछ मोल्स होंगे, उसका हम ले लेते हैं N1, तो N1 क्या होगा, PV अपॉन RT1 के बराबर, ठीक है। अब क्या किया गया है, ये स्टॉपर को हटाया है, तो जैसे ही स्टॉपर को हटाएंगे गैस का फ्लो होगा दोनों तरफ, कब तक होगा, जब तक कि बोथ साइड वॉल्यूम प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता, तो यहाँ पे जब फ्लो हो रहा है उसके बारे में हम कंसीडर कर रहे थे कि यहाँ पे प्रेशर P' हो गया, दोनों में प्रेशर क्या हो गया, इक्वल हो गया, P' हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, गैस के कुछ मोल्स यहाँ पे होंगे, कुछ मोल्स इधर चले जाएंगे, तो यहाँ पे मोल्स लेते हैं N1' है, यहाँ पर N2' है, ठीक है। बोला क्या है, इसका वॉल्यूम तो V है, इसका वॉल्यूम V/2 है,
बोला क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर टी वन रहेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा टी टू हो जाएगा। तो एन वन डैश किसके बराबर होगा, पी डैश इंटू वी अपॉन आर टी वन, और एन टू डैश किसके बराबर होगा, पी डैश इंटू वी बाय टू इंटू आर टी टू। अब आपको बताना है ये फाइनल प्रेशर जो पी डैश है उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अगेन हम यहाँ सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि इनिशियली जितने मोल्स गैस के यहाँ पर थे उतने मोल्स ही यहाँ पे इन दोनों में मिलाकर होंगे, तो हम क्या बोल देंगे, इनिशियल टोटल मोल्स किसके बराबर होगा, फाइनल टोटल मोल्स के बराबर। तो इनिशियल टोटल मोल्स क्या था, एन वन, फाइनल टोटल मोल्स क्या होगा, एन वन डैश प्लस एन टू डैश। तो एन वन कितना था, पी वी अपॉन आर टी वन, किसके बराबर होगा, पी डैश वी अपॉन आर टी वन प्लस पी डैश वी बाई टू अपॉन आर टी टू। यस, यहां से एक कंफ्यूजन आपको आ सकता है कि पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, दोनों वॉल्यूम को एड करके पुट किया था, बट यहाँ पे डिफरेंस वहां पे क्या था, दोनों कंट्री में टेम्परेचर सेम रखा हुआ था, यहाँ पे दोनों कंट्री का टेम्परेचर क्या कर दिया है, डिफरेंट कर दिया, इसलिए हमको इनको डिफरेंट डिफरेंट पुट करना पड़ रहा है। अगर यह टेम्परेचर दोनों का सेम होता तो हम वही करते, पी डैश टोटल वॉल्यूम कितना, वी प्लस वी बाई टू यानी थ्री वी बाई टू अपॉन आर टी। ठीक है, बट दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट है इसलिए हम दोनों को डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर पुट कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या होगा, यहाँ से आर कैंसिल आउट कर देंगे, वी से वी कैंसिल आउट कर देंगे, पी अपॉन टी वन कितना हो जाएगा, पी डैश अपॉन टी वन प्लस पी डैश अपॉन टू टी वन। पी डैश कॉमन ले लें, एलसीएम ले लें, तो पी अपॉन टी वन विल बी इक्वल टू पी डैश वन अपॉन टी वन प्लस वन अपॉन टी टू, तो टू टी वन टी टू इसका एलसीएम आ जाएगा, तो टू टी टू प्लस टी वन, राइट, एक टी वन से एक टी वन कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां से आपको मिल जाएगा पी डैश विल बी इक्वल टू कितना है, टू पी टी टू अपॉन टी वन प्लस टू टी टू। तो दिस विल बी द फाइनल प्रेशर इन बोथ टू स्फीयर। क्लियर, चलिए सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट गिवन है आपको, टू बल्ब ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय अ वेरी स्मॉल ट्यूब हैविंग अ स्टॉप कॉक। स्टॉप कॉक मीन्स जो वहां पे गैस के फ्लो होने को रोक के रखे। बल्ब ए हैज अ वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब एंड कंटेनिंग द गैस, व्हाइल बल्ब बी वाज एम्प्टी। एम्प्टी होगा इसका मींस वहां पे प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा, कोई गैस प्रेजेंट नहीं है। ऑन ओपनिंग द स्टॉप कॉक द प्रेशर फेल डाउन बाय 40%, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बल्ब बी। अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया है इनिशियल दो क्वेश्चन से यहाँ पे। तो ये एक बल्ब है, इसका वॉल्यूम आपको गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये किसी दूसरे बल्ब के साथ कनेक्टेड है, उसका भी वॉल्यूम कुछ है, बट वही आपको कैलकुलेट करना है। यहां पर गिवन है कि इसका प्रेशर पी है एंड टेम्परेचर टी है। ठीक है, यहां पे इनिशियली प्रेशर क्या था, जीरो, स्टॉपर लगा हुआ है। ठीक है, अब जब यहां पे स्टॉपर हटा दिया तो क्या हुआ, यहां पर स्टॉपर हटा दें, यहां पे प्रेशर क्या हो गया, पी डैश हो जाएगा कुछ प्रेशर, राइट। अब जो पी डैश है वो क्या है, इनिशियल प्रेशर का 40%, तो इनिशियल प्रेशर पी माना है, तो यहाँ पे पी डैश कितना होगा, 0.4 पी हो जाएगा। ठीक है, दोनों में प्रेशर क्या होगा, सिमिलर, 0.4 पी 0.4 पी। टेम्परेचर यहाँ पे कुछ वेरिएशन बोला नहीं है, टी है, इसका वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका वॉल्यूम कितना है वी, और यही वी आपको कैलकुलेट करना है। तो अगेन कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, यहाँ पर जितने मोल्स थे स्टॉपर हटाने के बाद भी टोटल मोल्स तो उतने ही रहने वाले हैं, राइट। तो एन वन क्या होगा, यहाँ पे पी वी, वी कितना है इनिशियली 100 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब को आप चाहें तो मीटर क्यूब में, सॉरी लीटर में कन्वर्ट कर देना, डिवाइडेड बाय 1000, राइट, या फिर कन्वर्ट ना करें तो भी ठीक है, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम भी फाइनली आपको किस में निकलेगा, सेंटीमीटर क्यूब में ही निकलेगा, अपॉन आरटी, राइट। यहाँ पे एन क्या होगा, जीरो होगा, यहाँ पे तो इनिशियली कोई मोल्स नहीं है, यहाँ पे इसको ले लें एन वन डैश और एन टू डैश, तो एन वन डैश क्या होगा, पी डैश इंटू वी अपॉन आर टी, राइट, यहां पर कितना होगा, पी डैश इंटू वी अपॉन आर टी, राइट, इधर वी कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब, इधर वी आपको बताना है। अब दोनों में टेम्परेचर सेम है तो आप दोनों का एडिशन यहां पर कर सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, इनिशियल टोटल मोल विल बी इक्वल टू फाइनल टोटल मोल। तो इनिशियल टोटल मोल कितना था, P इंटू वी अपॉन आर टी इक्वल टू
पी डैश इंटू 100 अपॉन आर टी प्लस पी डैश इंटू वी अपॉन आर टी। तो आर टी से आर टी उड़ा दीजिए, राइट, कितना बचा 100 पी इक्वल टू, अब यहाँ पे पी डैश कितना है 0.4%, सॉरी 40% ऑफ पी, तो यहाँ पे आप पी डैश कॉमन लेके क्या कर सकते हैं 100 प्लस वी पुट कर दीजिए, तो 100 पी कितना होगा यहाँ पे 0.4 पी इंटू 100 प्लस वी, पी से पी उड़ा दें तो कितना हो जाएगा 1000 अपन 4 मीन्स 250 इक्वल टू 100 प्लस वी, तो आपको वी मिल जाएगा कितना 150 सेंटीमीटर क्यूब, यानी सेकेंड कंट्री का वॉल्यूम है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 150 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एक्चुअली है क्या कि यहाँ पे हमें बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट गैस अगर डिफ्यूज हो रही है तो वहां पे उनके बीच में क्या रिलेशन है, डिफ्यूजन किस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ रिलेशन हमें दिए थे, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे यहाँ पर हमें रिलेशन गिवन था, ठीक है। तो क्या बताया कि यहाँ पर अगर हम मोलर मास के बेसिस पे बात करें तो सिंपल हम लॉजिक देख लें कि जिसका मोलर मास ज्यादा होगा तो उसके मूव करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिस गैस का मोलर मास ज्यादा है उसके मूव करने की टेंडेंसी क्या है, कम है, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। तो इन्होंने बताया था कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस, यार ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रिजल्ट निकले थे तो हम डायरेक्ट यहाँ पर रिजल्ट को यूज में ले रहे हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, मोलर मास के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ गैस आपको पता है, डेंसिटी ऑफ गैस क्या होता है, पी ए अपॉन पी एम अपॉन आर टी। तो अगर यहाँ पे प्रेशर आर टी, प्रेशर और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो मोलर मास किसके प्रोपोर्शन होगा, डेंसिटी के, डेंसिटी मोलर मास ज्यादा है तो यहाँ पे गैस का डेंसिटी भी क्या होगा ज्यादा, मोलर मास कम है तो डिफरेंट डिफरेंट गैस को अगर कंपेयर करें तो डिफरेंट डिफरेंट गैस का प्रेशर टेम्परेचर सेम रखें तो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका डेंसिटी भी ज्यादा होगा, जिसका मोलर मास कम होगा उसका डेंसिटी भी कम होगा। तो आप क्या बोल सकते हैं, मोलर मास डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा या डेंसिटी मोलर मास के प्रोपोर्शनल होगी। तो एक रिलेशन और मिला यहाँ पे कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है, रूट ऑफ डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसके अलावा वेपर डेंसिटी आपको पता है, वेपर डेंसिटी क्या होता है, मोलर मास बाय टू, तो वेपर डेंसिटी भी क्या है, मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से क्या रिलेशन निकलेगा, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है, वेपर डेंसिटी के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तीन रिलेशन यहां से मिले कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो मोलर मास के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसके अलावा डेंसिटी के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड वेपर डेंसिटी के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये कंडीशन कब है, एट सिमिलर टेम्परेचर एंड पार्शियल प्रेशर। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट गैस का टेम्परेचर सिमिलर है, पार्शियल प्रेशर सिमिलर है, तो उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा उनके मोलर मास के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डेंसिटी के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या वेपर डेंसिटी के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ये डायरेक्ट हम रिजल्ट यूज में ले रहे हैं, ठीक है। इफ टेम्परेचर एंड पार्शियल प्रेशर आर डिफरेंट, अगर पार्शियल प्रेशर टेम्परेचर सिमिलर है तो ये रिलेशन आप यूज में लेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, मोलर मास के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डेंसिटी के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या वेपर डेंसिटी के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर टेम्परेचर और पार्शियल प्रेशर डिफरेंट डिफरेंट है तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है वो क्या होता है, पी ए अपॉन रूट टी एम के प्रोपोर्शनल होता है। पी क्या होगा यहां पर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस टी, क्या होगा टेम्परेचर इन केल्विन, एम क्या होगा मोलर मास ऑफ गैस, एंड ए क्या होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ होल, जहां से गैस का डिफ्यूजन हो रहा है उसे उसका उसको यहाँ पे एरिया के लिए यूज में ले रहे हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, पी ए अपॉन रूट टी एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अभी हमने डिफ्यूजन की बात की, डिफ्यूजन क्या होता है, गैस अपने हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं,
डिफ्यूजन बोलते हैं। एक वर्ड आपको यहां पर और मिलेगा इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या होगा कि गैस, इसमें भी क्या होता है, फ्लो गैस का हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ ही होता है। यहां पर बस डिफरेंस क्या है कि किसी होल के थ्रू, यहां पे किसी कंटेनर के अंदर अगर गैस का फ्लो हो रहा है हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर, यहां पे ये बोल दीजिए या तो यहां इनिशियली वैक्यूम था, प्रेशर जीरो था, तो गैस अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ कंटेनर के अंदर अगर मूव कर रही है तो वहां पे क्या बोला जाता है, इफ्यूजन बोला जाता है। बट जो कॉन्सेप्ट है या जो फॉर्मूला है डिफ्यूजन और इफ्यूजन के लिए हम सिमिलर ही यूज में लेते हैं, दोनों में कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है, मोलर मास के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या डेंसिटी के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या वेपर डेंसिटी के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यही रेट ऑफ इफ्यूजन हम लेंगे। ठीक है, सिमिलरली रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन क्या होगा, अगर पार्शियल प्रेशर और टेम्परेचर डिफरेंट है डिफरेंट डिफरेंट गैस के, तो क्या होगा, पी अपॉन रूट टीएम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम यहाँ पर यूज में लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर सिमिलर है एट सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन टू गैस का क्या होगा, आर वन अपॉन आर टू, दो डिफरेंट गैस ले लें, उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो क्या होगा, उनके मोलर मास के रेशियो के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या बोला था, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ गैस, तो आर वन और आर टू का रेशियो क्या होगा, रूट ऑफ एम वन अपॉन एम टू, और डेंसिटी के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डी वन रूट डी वन अपॉन डी टू, या फिर वेपर डेंसिटी के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वीडी टू अपॉन सॉरी वीडी वन अपॉन रूट वीडी वन अपॉन वीडी टू। तो ये दो गैस के रेट ऑफ डिफ्यूजन का रिलेशन है। क्लियर, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन वो मोलर मास के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कब यूज में ले रहे हैं, जब प्रेशर एंड टेम्परेचर सिमिलर हो, अगर पार्शियल प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ गैस डिफरेंट डिफरेंट है तो इस तरीके से आपको यहां पर कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब यहां पे जो हमने डिफ्यूजन की बात की है वो क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन को आप और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि सपोज दो डिफरेंट गैस है, दोनों डिफ्यूज हो रही है, दो डिफरेंट गैस है, किसी पर्टिकुलर कंटेनर में कोई गैस डिफ्यूज हो रही है, राइट, या सॉरी इफ्यूज हो रही है गैस, कोई दो डिफरेंट गैस है, यहां पर एक्स गैस है, यहां पर वाई गैस है, तो इस एक्स गैस ने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया और इस वाई गैस ने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, वो भी तो क्या होगा, रेट होगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ पर्टिकुलर टाइम, तो वो भी क्या होगा, रेट ही होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को आप क्या बोल सकते हैं और किस रिलेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन को और किस तरीके से आप बता सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन और किस तरीके से बता सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ये डी एक्स अपॉन डी टी क्या है कि गैस ने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड बाय गैस अपॉन टाइम टेकन, गैस ने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, वो भी क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो गैस के डिफ्यूज होने की जितनी ज्यादा रेट होगी उतना ज्यादा डिस्टेंस कम टाइम में कवर कर रहा होगा, और जितनी कम रेट ऑफ डिफ्यूजन की रेट होगी उतना ही ज्यादा टाइम क्या कर रहा होगा, गैस ले रहा होगा, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम। ठीक है, इसके अलावा और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहां पर गैस के कितने मोल्स कितने टाइम में यहां पर डिफ्यूज हो रहे हैं, राइट, कि यहां पे सपोज हमने कोई कंटेनर लिया या हम ले लें स्प्रे का एक बोतल लिया, राइट, उसमें से गैस के मोल्स क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, अब एक कंटेनर में N2 था और एक में O2 था। ठीक है, तो सपोज यहां पे N2 के 20 मोल 2 सेकंड में बाहर आए, राइट, यहां पे इसके 10 मोल 2 सेकंड में बाहर आए, राइट, तो यहां पे क्या हुआ, रेट ऑफ डिफ्यूजन यहां पे किसका ज्यादा हुआ, N2 का, राइट, तो जितने मोल्स यहां पे पर सेकंड बाहर निकल रहे होंगे, 1 सेकंड में कितने मोल निकले, 10 मोल, यहां पे 1 सेकंड में कितने मोल बाहर निकला, 5 मोल, तो यहां पे कितने मोल कितने टाइम में बाहर निकल रहे हैं उसको भी हम क्या बोल देंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूज होने की रेट किसकी ज्यादा है यहां पे,
N2 की, क्यों? क्योंकि उसके पर सेकंड में नंबर ऑफ मोल्स क्या कर रहे हैं, ज्यादा बाहर निकल रहे हैं। आप इसको वॉल्यूम की टर्म में ही बोल सकते हैं कि कितना वॉल्यूम बाहर निकला। सपोज इसका 2 सेकंड में, सपोज 100 लीटर बाहर निकल गया, इसका 2 सेकंड में 50 लीटर ही बाहर निकला, तो जितना ज्यादा वॉल्यूम बाहर निकल रहा होगा उतना भी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, गैस का ज्यादा रहेगा। तो हम रेट ऑफ डिफ्यूजन को क्या लिख सकते हैं, dN out/dt मोल्स डिफ्यूज्ड, मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज्ड, मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन इन डिफ्यूजन, या फिर आप वॉल्यूम की टर्म में बोल सकते हैं dV out/dt। क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन इन डिफ्यूजन। ठीक है, तो इन तीन तरीकों से तो आप यहां पे बता सकते हैं। अब जब गैस डिफ्यूज हो रही है तो कंटेनर के अंदर जो गैस का प्रेशर है वो भी क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो कितना प्रेशर कितने टाइम में कम हो रहा है उसे भी आप क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, dP drop/dt प्रेशर ऑफ गैस ड्रॉप्ड अपॉन टाइम टेकन। तो कितने टाइम में कितना प्रेशर यहां पर कम हो रहा है उससे भी आप क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो dx/dt डिस्टेंस ट्रेवल बाय गैस अपॉन टाइम टेकन इन डिस्टेंस कवरिंग, सेकेंड dN/dt कितना मोल्स गैस का डिफ्यूज हुआ और कितने टाइम में डिफ्यूज हुआ, dV out/dt कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ कितने टाइम में डिफ्यूज हुआ, अपॉन dP drop/dt कितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है और कितने टाइम में ड्रॉप हो रहा है, वो भी रेट ऑफ डिफ्यूजन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने बताया रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, PA/√TM। अगर पार्शियल प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पे डिफरेंट है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को PA/√TM से आप रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को आप क्या लिख सकते हैं, dN out/dt भी लिख सकते हैं। तो ये किसके प्रपोर्शनल होगा, PA/√TM प्रेशर को आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर प्रेशर को क्या लिखा जा सकता है, nRT/V/√TM। अब यहां पर भी मोल्स आ रहा है, मोल्स डिफ्यूज और ये भी मोल्स आ रहा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये n क्या होगा जो इनिशियली यहां पर लिया है, इनिशियली टेकन, इनिशियली जितने मोल्स लिए हैं ये वो होगा, और dN out ये कौन सा होगा, मोल्स डिफ्यूज जो डिफ्यूज हो चुके हैं, राइट। तो इनिशियली कितने मोल लिए थे वो यहां पर पुट करना है, और जो डिफ्यूज हो गए होंगे ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। dN out/dt को आप और किस तरीके से लिख सकते हैं, यहां पर अगर हम यहां पे मोल्स की बात करें, मोल्स को आप कैसे लिख सकते हैं, मास बाय मोलर मास की टर्म में भी लिखा जा सकता है। तो मे बी पॉसिबल है आपसे ये भी पूछा जाए कि गैस का कितना मास डिफ्यूज हुआ होगा, तो dN out/dt को आप क्या लिख सकते हैं, dW out/dt प्रोपोर्शनल टू nRT/V/√TM। तो यहां पे क्या होगा, कितना मास डिफ्यूज हुआ, मास डिफ्यूज। तो अगर आपसे पूछा जाए कितना मास डिफ्यूज होगा तो इस रिलेशन से आप कर सकते हैं। कभी भी आपको केवल एक गैस के लिए कैलकुलेशन नहीं करना होगा, आपको दो गैस गिवन होगी, एक का इंफॉर्मेशन गिवन होगा दूसरे का पूछा जाएगा, तो यहाँ पे दो को आपस में कंपेयर करके ही हमारे लिए कैलकुलेशन होता है, एक अकेली गैस के लिए कोई कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक गैस का कितना मास डिफ्यूज हुआ है वो गिवन रहेगा, दूसरे गैस का कितना मास डिफ्यूज हुआ वो पूछा जा सकता है, राइट। तो ये क्या होगा, dN out/dt यानी ये कौन से मोल्स हैं जो डिफ्यूज हो चुके हैं और ये कौन से हैं जो इनिशियली लिए थे। यहाँ पे अगर dW/dt की बात करें तो ये W कौन सा होगा जो मास डिफ्यूज हो चुका है, इसको आप क्या ले सकते हैं, अच्छा यहाँ पे मोलर मास तो रह गया, तो मोलर मास भी यहाँ पे मास बाय मोलर मास, बिकॉज मोल्स को मास बाय मोलर मास हम लिखते हैं, तो क्या होगा, dW out upon
मोल मास अपॉन डीटी, इसको क्या लिखा जा सकता है, मोल्स को मास बाय मोल मास इनटू आरटी अपॉन वी इनटू रूट ऑफ टीएम। तो ये क्या था मास, ये कौन सा मास होगा, ये मोल्स कौन से थे जो इनिशियली लिया, तो ये मास कौन सा होगा इनिशियली टेकन। तो इनिशियली कितना मास लिया था वो यहां पे पुट करना है, और कितना मास डिफ्यूज हो चुका है वो आपको यहां से मिलने वाला है, राइट। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से हमें नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में यहां पर कवर करेंगे, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, पहले फॉर्मूला को अच्छे से पढ़ के आइए, समझिए कि एक्चुअली फॉर्मूला में आपको गिवन क्या है, क्या बताया जा रहा है, ठीक है। तो रिविजन कीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और मस्त रहें, खुश रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, हैप्पीली पढ़ाई करें, मोटिवेट होकर पढ़ाई करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, नमस्कार।